इसको यहाँ नहीं रखो, इसको यहाँ पे रखो पैकेट में, और जब गाड़ी चल रही है तो उस पे बात नहीं करना है फोन पे। कैसे बात करोगे? हाथ में रखने के लिए? नहीं, अभी तेल भरा रहे थे। कहाँ तेल है यहाँ पेट्रोल पंप जहाँ बोल रहे हैं तेल भरा रहे? बाल खराब हो जा रहा है क्या? नहीं सर, तो पहनो ना उसको। कहाँ निकले सर? ये टोपी पहनना ये ज्यादा जरूरी था क्या? नहीं, तो ये पहन लिए हैं। हाँ, ये लगाना नहीं भूले सर, ये दोस्ती यारी वाला जो लगा हुआ है, लेकिन हेलमेट लगाना भूल जाएंगे। हाँ, भूल गए ना, गलती किए कि नहीं? आइए जरा, भाड़ा गाड़ी छोड़ देते, क्या दिक्कत है? इसको बैठा के रखे यहाँ पे, अभी अगर हैंडल घूमना रहेगा ये तो पैर में फंसेगा उसका कि नहीं फंसेगा? अरे इसका पैर में फंसेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे, फंस जाएगा ना, तो चोट किसको लगेगा? प्यार नहीं करते बच्चों से क्या? अब ऐसा ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। कर दें चलाना अभी गाड़ी का। ये है हेलमेट मेरे तरफ से, ठीक है? गाड़ी आपकी है किसी और का है? नहीं, मेरा। आप ही का है ना, लेकिन हम इसी शर्त पर दे रहे हैं कि जब भी निकलोगे तो ये हेलमेट आपके सर पे होना चाहिए, समझ गए? इसके लिए पैसा पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आप सुरक्षित रहिएगा तो हम समझ लेंगे कि मेरा ये हेलमेट लेना सफल हो गया। क्या ये पहन के जाओ, अब ठीक लगो खूबसूरत। इसको अगर लगा पीछे बांध लो उसको, सीट नहीं है जी, यहाँ बैठा लियो। तो बैठाओ ना जी, सर बता रहे हो तो इसको बैठाओ ना, जो बीच में बैठाए हो यहाँ पे, ये जगह बैठाने के लिए क्या? वहाँ सीट खाली है पूरा, आपका खाली है यहाँ पे, है खाली कि नहीं है? अरे आप लोग को भी तो समझना चाहिए ना। इसको यहाँ नहीं रखो, इसको यहाँ पे रखो पैकेट में, और जब गाड़ी चल रही है तो उस पे बात नहीं करना है फोन पे। कैसे बात करोगे? ये है हेलमेट मेरे तरफ से, ठीक है? गाड़ी आपकी है किसी और का है? नहीं, मेरा। आप ही का है ना, लेकिन हम इसी शर्त पर दे रहे हैं कि जब भी निकलोगे तो ये हेलमेट आपके सर पे होना चाहिए, समझ गए? इसके लिए पैसा पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आप सुरक्षित रहिएगा तो हम समझ लेंगे कि मेरा ये हेलमेट लेना सफल हो गया। क्या ये पहन के जाओ, अब ठीक लगो खूबसूरत। इसको अगर लगा के चलिएगा आप सुरक्षित रहिएगा, लेबर कुली का काम करते हैं, पैसा कम कमाते हैं, बाल बच्चा का ध्यान रखना है, आप सुरक्षित रहिए तभी वो सुरक्षित रहेगा ना। आज के बाद हम हेलमेट ये पहन के चलेंगे, पहनना है खाली, खरीदना। पूछ रहे हैं हेलमेट माथा में क्यों नहीं डाले, ये पूछ रहे हैं हम। रुको, काहे नहीं डाले माथा पे, पहनिए उसको। अरे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं जनाब, कहाँ से आ रहे हैं साहब? किधर जा रहे हैं बाप? आपके बगल में सीट बेल्ट है कि नहीं है? तो लगाइए। नहीं सर बोल रहे हैं, लगाइए, सुरक्षित रहिएगा। मतलब अगर कसम खा के चले हैं कि भाई सुरक्षित नहीं रहना है तो फिर अलग बात है। नहीं है सीट बेल्ट? ये क्या है इधर, अभी इतना भी पता नहीं है कि कहाँ रहता है। अरे क्या देख रहे हैं इसे बताइए ना, भाड़ा गाड़ी छोड़ देते, क्या दिक्कत है? इसको बैठा के रखे यहाँ पे, अभी अगर हैंडल घूमना रहेगा ये तो पैर में फंसेगा उसका कि नहीं फंसेगा? अरे इसका पैर में फंसेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे, फंस जाएगा ना, तो चोट किसको लगेगा? प्यार नहीं करते बच्चों से क्या? अब ऐसा ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। कर दें चलाना अभी गाड़ी का, बताना पड़ता है कि सीट बेल्ट है आपके बगल में, टूट गया तो लगाइए, सबसे पहले जरूरी वही है, इससे ज़्यादा जरूरी हेलमेट है ना, जरूरी तो ऐसे ही लगा के चलिए, सब सुरक्षित रहिए, ठीक है ना? चलिए ठीक, गुड। बिना हेलमेट के कहाँ निकले सर? ये टोपी पहनना ये ज़्यादा जरूरी था क्या? नहीं, तो ये पहन लिए हैं। हाँ, ये लगाना नहीं भूले सर, ये दोस्ती यारी वाला जो लगा हुआ है, लेकिन हेलमेट लगाना भूल जाएंगे। हाँ, भूल गए ना, गलती किए कि नहीं? आइए जरा, अभी सीट बेल्ट लगाने का नहीं समझ में आया कैसे लगता है, गाड़ी नया ली है तो सीखिए सर, इसको थोड़ा सा हाथ हटाइए, यहाँ से ऐसे लगाइए, अब ठीक हुआ ये प्रॉपर, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीनों आ जाओ साहब, नहीं मिले कहीं, इसको बांध लीजिए साहब पीछे, उसको बांध लो पीछे, जो बैग है हैंडल में रखिए है, गिरोगे कि नहीं गिरोगे? कहीं जाना उससे क्या मतलब है, रबर है ना जी, बीच में घुसा के रखिए, उस पर बांधिए उसको, बांध दो यार, रखने में तकलीफ हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? किसका दवा करा कर रहे हो? क्या हो गया आपको, गिरे थे क्या? हो गया। कहाँ से हो तुम? यार बदलो, फिर गिर जाएगा गाड़ी से इसको लेकर के, तो जो भी सेट वेट कर रहा होगा फिर खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? है गाड़ी किसका है? मेरे पापा। तुम्हारा है? हेलमेट नहीं रखे हो? ला एगो हेलमेट ला जी गाड़ी से, चोट तो लगा हुआ है ही, लेकिन अगर सोच लो कि फिर से गिर गए एक बार तो फिर कौन बचाएगा? जाओ तुम लोग निकलो, ठीक है? फिर से अगर गिर जाओगे तो दिक्कत, खतरा पुलिस के तरफ से ये अभी हम दे रहे हैं, लेकिन नहीं है हेलमेट तो इसको पहन के चलो, ठीक है? क्या करके चलो, इसको रखो इधर,
इसको क्या करके चलना है? लगा के चलना है, ठीक है? क्या करके चलना है? लगा के। एक भाई को चोट लग गया, दूसरा को लग गया, तब क्या होगा? अपना भाई है। लावालोंग में कहाँ घर है? ठीक है, हम समझ गए तुम्हारा तबीयत से। चलो ध्यान रखो। और ये जो पहन के रखे हैं, ये क्या करता है? माथा बचा रहा है ना? है अभी से जा करके जो घर का जो दरवाजा होता है ना, दरवाजे के खूंटी के बगल में टांग देना इसको। और जब भी घर से बाहर निकलोगे, रोको उसको, जब भी घर से बाहर निकलोगे ताकि इस पर ध्यान पड़ जाए। याद रखो कि कोई सर एक हेलमेट देखो, इनको भी रोको जरा सा, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं? दोबारा ये हेलमेट एकदम माथे पर होना चाहिए जब भी निकलो, समझ गया? चलिए निकलिए। मैडम है आपकी? आपकी सिस्टर है? सिस्टर को ससुराल पहुंचा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तो सुरक्षित जाना है ना सर घर? है कितनी बड़ी जिम्मेवारी है बताइए, कि नहीं? और की वाइफ है आपकी, बहन होने के साथ साथ है कि नहीं है? हेलमेट पहन लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए, गिर जाइएगा, चोट लग जाएगा, माथा फूट जाएगा। रक्षाबंधन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बहन का ये जिम्मेवारी नहीं है कि भाई चल रहे हैं तो रक्षाबंधन का एक गिफ्ट दे दे? लेके आते बाइक मेरा सिमरिया में था। क्या फर्क पड़ता है उससे? बाइक में हेलमेट रहता टांगा हुआ, जैसे आप बैग टांग के चलो, हेलमेट टांगा हुआ रहता, जब आपको जरूरत है पहन लेते हैं। बहन जी, बहन हो ना आप, तो ध्यान रखो, आगे रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन से एगो कसम जरूर खिलाना ये लोग से। कौन सा कसम पता है क्या? आपकी जिम्मेवारी है ना रक्षाबंधन में, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि भाई का, भाई जो है सो बहन का रक्षा करे, बहन भाई का रक्षा करे, यही होता है। तो रक्षा कैसे होगा? हेलमेटे साहब नहीं पहने हुए हैं, पक्का ना? है दो आदमी रहिएगा तो बैलेंस भी बनता है गाड़ी में, बनता है कि नहीं? कहाँ से आ रही हो आप? कहाँ जा रहे हैं? यहीं पे घर है, लगा ले। हेलमेट खरीदे हैं? कहाँ पे है? कहाँ है मैडम? उससे क्या फर्क पड़ता है? रोड पर निकले अगर एक्सीडेंट कर जाएगा तब? सर मानते हैं, मानते हैं ना, दोबारा ये सब बोलने का नौबत नहीं आना चाहिए। नहीं सर, हम खुद मतलब आप ही लोग के लिए हम लोग खड़े हैं, हम खुद लगा के चलते हैं। हाँ तो बाल बच्चा को माँ का प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। तो आप रहिएगा नहीं तो प्यार कहाँ देंगे? गलती नहीं करेंगे। हाँ ध्यान रखिए इसको, ठीक है? धुंधवा घर है तो हेलमेट रख लीजिए, माथा में कोई तकलीफ हो जाएगा क्या? काहे ले रखे हैं हाथ में रखने के लिए? नहीं अभी तेल भरा रहे थे। कहाँ तेल है यहाँ पेट्रोल पंप जहाँ बोल रहे हैं तेल भरा रहे? बाल खराब हो जा रहा है क्या? नहीं सर, तो नहीं खराब। पहनो ना उसको। कहाँ पेट्रोल पंप वाला रसीद दिखाओ? रसीद नहीं दिए। 150 कौन पेट्रोल पंप में भराए हो? तो वहाँ से 2 किलोमीटर पेट्रोल पंप से तेल भराए थे, निकाल रहे थे, क्यों नहीं डाले के माथे पे? भूल गए थे। कै गो बाल बच्चा है आपका? अरे बच्चा कै गो है? ये कौन है? 3 गो बेटा और है, इसीलिए हेलमेट नहीं पहनाते हैं का? नहीं नहीं पहनाते सर, पहनाते ना, हमको लगता है कि अजर अमर होगा भाई, कुछ नहीं होगा इसको, नहीं नहीं गिरेगा तो। नहीं नहीं हम खुद पहना के लिए, यहाँ जरा सा मिस्टेक हो गया। वो तो अच्छी बात है कि आप हेलमेट रखे हो, लेकिन पहना के चलाइए। नहीं नहीं गिर जाएगा तो फिर बच्चा को चोट लगेगा ना? नहीं नहीं या चाहते हैं चोट लगे? नहीं कैसे चाहेंगे सर, कोई लिए ताकि अच्छा रहेगा तब ठीक हम रहेंगे। और दूसरा 3 आदमी जो बैठ के जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। 3 आदमी नहीं होना चाहिए? नहीं पता है कि गाड़ी में कितना आदमी बैठना चाहिए? मालूम नहीं, ये भी नहीं पता? वाह आश्चर्य है ना। हम चल गए थे पहले है, गाड़ी में मैक्सिमम 2 लोड, दो से ज़्यादा जाना है तो अपना गाड़ी में भाड़ा गाड़ी में बिठा करके भेज दो जिसको जाना है, ठीक है? ठीक है चलो। हजारीबाग से इस गाड़ी से आ गए, हेलमेट लेकिन नहीं डाले सर, मतलब वो सब मत करिए हमारे सामने, कान पकड़ते हैं। अभी तो हम भी हाथ जोड़ लेंगे आपके समक्ष कि कम से कम पुलिस वालों के लिए कम से कम इतना तो करिए। अपने बाल बच्चे का ख्याल है, शादी हो गया है ना, बाल बच्चे भी होंगे, छोटी रहे बड़ी गाड़ी, हेलमेट डाल के चलिए ना, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ होता है क्या माथे में? गिर जाते तो कितना 1000 खर्चा हो जाएगा अंदाजा है? सुरक्षित रहिएगा वो भी ना, इतना स्पीड चल रही है गाड़ी से, बताइए उड़ के जा रहे हैं। हेलमेट पहन के चलेंगे, ट्रिपल लोड नहीं चलेंगे, शराब पीकर नहीं चलेंगे, और यातायात के नियमों का जोर से, यातायात के नियमों का आप बोलिए, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, ठीक है? ये एक रिक्वेस्ट है आपसे।